देखिए जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए, कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा, और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6:30 बजे पहुंच गए सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा सीधा कहूंगा उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने दो, उसके बाद में जो आप सवाल पूछना। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गुंजू करके, वो है ना पुलिस वाले यूं करके पिस्तौल चला रहा और एक यूं करके चला रहा वो, ये सारी स्थिति। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इनकार किया है सर कि पुलिस की गोली से। आपने कभी देखा है कि कोई अपराधी ये कहता हो कि मैंने अपराध किया है? सर खुदाई का जो मसला है, जो एएसआई खुदाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जो संविधान में जो कानून है बना हुआ 1991 का, वो किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप उसमें एक कदम भी रखें इस नियत से कि आप उसका सर्वे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो कानून पूरी तरह से रोकता है। कानून कैसे सर्वे से पता कैसे लगेगा कि क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो, उसमें कहीं भी कोई भी उस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर क्या पता लगाना है आपको? कौन होते हैं आप पता लगाने वाले? एएसआई कौन होता? इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नजर? मैंने बताया बाकायदा साजिश है और बड़ी घिनौनी साजिश है। और अगर ये साजिश नहीं होती तो पिटीशन पड़ा, विपक्षी को मौका दिए बिना आदेश हो गए और आदेश तुरंत लागू हो गया। यहाँ सालों साल आदेश पड़े रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, मिट्टी लग जाती है उन पे, अधिकारी कभी गौर ही नहीं करते, और यहाँ तो पहले से तैयार बैठने सांझ को पहुंच गए वहां। और क्या चाहिए? षड्यंत्र कैसे होता, मिली भगत कैसे होती है, ये सब कुछ सामने है। और 24 तारीख को क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है। 24 तारीख को इसलिए किया गया कि 23 तारीख को बेईमानी से जो बीजेपी जीत कर आई है चुनाव में, विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश में कहूं तो 9 जो उपचुनाव में सीटें थी उन पर मैं 7 सीटों पर जिस तरह से जीत के आई है, ऐसी गुंडागर्दी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुस्लिम समाज के लोगों को रिवाल्वर से डराया गया, रोका गया, कुंदर की में जाटव समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से रोका गया, ऐसी गुंडागर्दी आपने देखी कभी? इलेक्शन कमीशन क्या था, कहां था वो, कौन से बिल में घुसा हुआ था, कौन सी रिश्वत लेके चुप बैठा था, कौन सी वफादारी निभा रहा था? जब उसकी जिम्मेदारी है देश के संविधान को बचाने की, जब उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव हो, क्या कर रहा था वो? इसलिए ये सब कुछ सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा। यार इन्हें तो पूछ लें दो, आपने पूछ लिया। सर कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पत्थरबाजी की गई थी, उसको कंट्रोल करना। आप बहुत सिंपल सी बात है कि जो पत्थरबाजी का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि पत्थरबाजी हुई है, पर शुरुआत किसने की है, वो क्यों शुरुआत हुई है, पत्थरबाजी की क्यों शुरुआत हुई है? आप जाओगे
और एक धार्मिक स्थल में कानून को जो है धता बताते हुए पैरों तले कुचलते हुए आप बिल्कुल गैर कानूनी गैर संवैधानिक काम करोगे, और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दोगे। लोग इकट्ठे हो जाए तो उन्हें हटाने के लिए आप गोली चलाने, और लोग पत्थर चलाने तो आप कह रहे पत्थरबाजी। गोली क्यों चलाई गई भाई? पत्थरबाजी से पहले आप इसका जवाब दोगे गोली क्यों चलाई गई? पुलिस अगर गोली चलाती है तो गोली उसी स्थिति में चलाती है जब देखे कि आप काबू में नहीं हो सकते, उससे पहले लाठी चार्ज होता है, उससे पहले चेतावनी दी जाती है, और गोली भी चलाई जाती है तो घुटनों से नीचे मारी जाती है ताकि जो है डर के भाग जाए या वो चलने के काबिल ना, ये एक तरीका होता। आप सीधे सीधे यार पहले जवाब तो सुन लो, सीधा सीधा आप गोली चला रहे हो और आप कह रहे हो कि मतलब पत्थरबाजी हुई है। क्या वो जो लोग हैं दिमाग खराब है उनका? उनमें समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे? इन सारी चीजों को समझो और समझ, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसकी बाकायदा अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी